सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंश और आप देख रहे हो अंश इन मेडिको। मैं हूँ फिलहाल अभी बिश्केक, किर्गिस्तान में। बिश्केक का तो आप पता ही होगा कि इन दिनों क्या हो रहा है बिश्केक में। तो मैं भी यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं अभी सेकेंड सेमेस्टर में हूँ बिश्केक में। सो यहाँ का कुछ अपडेट आया हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को लेके और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी लेके कि हमारी अब फ्लाइट हो रही है और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चले गए हैं, कुछ इंडियन जो नॉन पैकेज वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वो चले गए हैं। और आज हमारे कॉलेज की तरफ से हमारा मैनेजमेंट टीम आया था तो हम नीचे गए थे। हे गाइस, हमारे मैनेजमेंट से सर आ चुके हैं और आज हमारा किस्मत डिसाइड होने वाला है कि हम फ्लाइट कब मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जाल्टू का हॉस्टल है और हमें अभी किर्गिस्तान में, तो आज हमारा किस्मत खुलने वाला है। लकी ड्रॉ निकलो भाई फ्लाइट के लिए, फ्लाइट के लिए लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में। तो ये हमारा किस्मत के ऊपर पूरा डिसाइडेड रहेगा। आप भी आओ, आप सब ये चलो, आप हमारे साथ चलो। हमारे मैथ्स वाले भैया हैं, इनके हाथ का खाया है हमने अभी तक, इनके हाथ का नमक खाया है हमने। नमक खाया आप गाली नहीं, गाली आप दे नहीं सकते। अरे क्या भैया, तो बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पर किस्मत आजमाया जा रहा है। किस्मत? हाँ भाई, किस्मत कैसे? इतने सारे किस्मत वाले लोग खड़े जाना, तो मैनेजमेंट वालों ने बना दिया। वो देखिए क्लास, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास हो रहा है। तो यहाँ पे टीम छत्तीसगढ़ आ चुका है। ए तू दिल्ली वाला है, तू दूर जा। तो गाइस, ये हमारा ब्लॉगर को ब्लॉग करते हुए दिल्ली वाला ब्लॉगर है गाइस, ये हमारा गाइस, आई एम एन यू नो अपकमिंग ब्लॉगर। तो आई एम गोना स्टार्ट माय ब्लॉगिंग करियर विद मिस्टर एंड। आप थोड़ा सा बता दीजिए कि बिश्केक का माहौल कैसा है? बिश्केक का माहौल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भाई चल रहे हैं यहाँ पे, चिटके जा रहे हैं, किसको पहले भेजा जाएगा किसको बाद में भेजा जाएगा उसके लिए हमारी किस्मत ही खराब है। पता नहीं हम कब जाएंगे इंडिया, लगता है अब हम नहीं जाना। आप लोगों को गाइस नहीं जाना है घर? जाना है, नहीं जाना है। तो बहुत अच्छी सिटी, कज्जू के साथ गुज्जू मिला हुआ है। देखो हमारा लॉटरी सिस्टम चालू हो गया है। हमारे पास संपर्क करें, आधार कार्ड पैन कार्ड के लिए संपर्क करें। एनरोलमेंट नंबर लिखा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर मतलब आपका आइडेंटिटी है कॉलेज के पास, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी है वो बिल्कुल आपकी। तब वहाँ पे हमने भी अपना टिकट करवा लिया है और मेरे को जब से ये सब न्यूज़ फैला है बिश्केक का, तो मेरे को बहुत जगह से कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई प्लीज़ एक्सप्लेन करो कि वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ का सिचुएशन बताओ, वहाँ की स्टूडेंट्स कैसे हैं वो बताओ। सो मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता था। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, मेरे को बस अपना स्टूडेंट लाइफ निकालना है यहाँ से। तो गाइज, रही बात टिकट की, तो जैसा कि मैंने बताया कि और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि नीचे मैनेजमेंट से दो सर आए थे, सो उन्होंने हमको चॉइस दी कि हम 26 से लेके 31 तक ले सकते हैं टिकट, और हमको ग्रुप में जाना है तो हमको 29, 30, 31 का लेना पड़ेगा। इन तीनों डेट में से कोई सा लेना पड़ेगा, तो हमने छत्तीसगढ़ वालों ने 29 का डेट लिया है। सो हम आने वाले हैं अभी 4-5 दिन के बाद। तो बहुत खुशी है हमारे लिए। और ऐसा है कि हमारे कॉलेज से ऑफिशियल नोटिस आ चुका था 2021 को, जो ये मैटर हुआ था वो 18 मई का था। सो दो तीन दिन तक फुल एकदम मतलब ये सब चलता रहा, उसके बाद से शांत होना चालू हुआ जब यहाँ के पुलिस फोर्स और मिलिट्री जब साथ में आए सब लोग। सो उसके बाद से थोड़ा माहौल शांत होना चालू हुआ। हमारे
हॉस्टल में भी पुलिस वाले लोग खड़े थे रात भर। फिर उसके बाद ये मैटर अभी दबते दबते ऐसे कुछ कुछ न्यूज़ आ ही रहे थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन हमारा बाहर निकलना मुश्किल था तो हमको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। तो हम ऐसे आँखों देखा तो नहीं बता सकते थे, पर हम न्यूज़ में देख रहे थे और यहाँ के जो आ रहे थे हमारे पास फोटो उसमें हम लोग देख रहे थे अवेयर होने के लिए। सो यही बात है कि गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि हम 29 को इंडिया वापस आ रहे हैं। सो अभी देखते हैं, यहाँ का माहौल तो अभी शांत हो गया है, पर देखते हैं क्या होता है और फिर बताता हूँ मैं आपको। 29 का हम अलग से व्लॉग बनाएंगे कि हमारी खुशी ही अलग रहेगी कि हम 29 को वापस इंडिया आ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगला व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।